अगर आप भी ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन करने की सोच रहे हो तो मैं आपको एक बात बता दूं, वीडियो से ज़्यादा जो हमारी वीडियो में मैटर करता है वो कि हमारी है वॉइस। अगर मैं वीडियो अभी एक महंगे कैमरे से ना बना रहा होता, सिर्फ एक फ़ोन से बना रहा होता और आपको ऑडियो बहुत ज़्यादा क्लियर आ रही होती, तब भी आपके लिए ये वीडियो काफ़ी वर्थ इट थी। तो आज के इस वीडियो में यही बात करेंगे कि भाई साहब ऐसा कौन सा बजट कंडेंसर माइक है जो आप यूज़ कर सकते हैं वीडियोस में और अपना कंटेंट क्रिएशन को एक लेवल ऊपर ले जा सकते हैं। वेल माय नेम इज जतिन, आई एम वाचिंग मैग्निफाई फ्रीक, आई एम अ प्रोफेशनल वीडियो एडिटर फ्रॉम लास्ट 4 ईयर एज वेल एज कैमरा पर्सन। मैंने काफ़ी ज़्यादा काम किया है यूट्यूब की जर्नी में और काफ़ी बड़े लोगों के साथ मिलकर काम किया है। तो मैंने 800 से लेकर 25,000 तक के माइक यूज़ करे और मैं आपको बता सकता हूँ कि किसकी क्वालिटी किस प्राइस पॉइंट पर वर्थ इट है। तो शुरू करते हैं विदाउट किसी देरी की। सो अभी जो मेरी आवाज़ आप सुन रहे एक 800 रुपए के बेसिक माइक से जो कि है बोया का BY-M1, ये इंडस्ट्री में काफी ज्यादा फेमस है, इससे बड़े बड़े यूट्यूबर शूट करते हैं और आज शूट करके लाखों से मिलियन तक पहुंचे हैं। मगर अब चीजें चेंज हो चुकी हैं, यहां पे आपको अब एक ऐसे माइक में इन्वेस्ट करना होगा जो आपकी क्वालिटी को इनहांस रखे और भी ज्यादा डीप और एक तरीके से वोकल क्लियर पहुंचाए आपकी ऑडियंस तक। तो इसके लिए मैंने थोड़े दिनों पहले ही अपना एक माइक ऑर्डर किया था जो था कंडेंसर माइक, जो कि फी फाइन की तरफ से या फाई फाइन की तरफ से आता है, इसको जो भी आप कहना चाहे, इसकी प्रोनाउंसिएशन चाहते फाई फाइन है फाई फाइन है, और इसको मैंने मंगवाया कुछ प्राइस पॉइंट पे 3,500 के अंदर। तो इस वीडियो में पर्टिकुलर उसके बारे में ही बात करेंगे और देखेंगे कि उसकी माइक क्वालिटी कैसी है। अभी मैं आपको ये जो वॉइस आप सुन रहे हो ये विदाउट एडिटिंग सुनाता हूँ कि रो कैसी आती है। तो अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हैं ये बिल्कुल अनएडिटेड है, इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला गया, जो प्रीमियम प्रो में डी नोस पैरा मैट्रिक वगैरह वगैरह डाले जाते हैं वो भी मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है और आप अभी सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड इस माइक से आने वाली आवाज़ सुन रहे हैं। सो जो आप आवाज़ सुन रहे हैं ये सुन रहे हैं एडिटिंग होने के बाद, तो आपको काफ़ी ज़्यादा फर्क दिख रहा होगा। मगर अब हम सीधा अपने प्रोडक्ट को लाते हैं और अनबॉक्सिंग करके मैं आपको दिखाता हूँ उसके अंदर आपको मिलता क्या क्या है और उसकी क्वालिटी कैसी है। सो भाई ये रहा हमारा प्रोडक्ट जो मैंने मंगाया अमेजोन से, इसकी देख रहे हो आप सील लगी हुई, अभी तक सील भी नहीं खोली है मैंने, और ये देख रहे हो आप ब्रांडिंग फाई फाइन कंडेंसर माइक्रोफोन फीवाइन T669, इसका बेसिकली मॉडल नंबर है और इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं पहले और उसके बाद आपको इसकी आवाज़ सुनाता हूँ कि कैसी इसकी आवाज़ है। सो भाई ये आ गया हमारा प्रोडक्ट, हाई स्पीड केबल प्लग एंड प्ले ड्यूरेबल मेटल कंस्ट्रक्शन आइडल फोन यूट्यूबर गेमर स्ट्रीमर एंड पॉडकास्टर। तो भाई साफ साफ लिखा यूट्यूबर गेमर स्ट्रीमर एंड पॉडकास्टर के लिए काफ़ी अच्छा माइक है ये, और ये आगे हमारा फ्रेम में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था। तो भाई लगी अमेजोन की सील जो कि वहाँ से आई है, अभी तक तोड़ी नहीं गई है, और ये रहा हमारा जो कि माइक है, काफ़ी अच्छी तरीके से बना हुआ है। इधर मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, तो इधर भाई फी फाइन का जो एक तरीके से लोगो वोगो है वो लगा हुआ है, इधर ज़्यादा कुछ दिखाने के लिए है नहीं। जो इसके पैरामीटर है वो लिखे हुए, पावर सप्लाई 5 वोल्ट पोलर पैटर्न में है, यूनी डायरेक्शनल है, और की फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी 50 हर्ट्स से लेके 20 किलो हर्ट्स तक ये सुन सकता है, मतलब एक तरीके से आपको सुना सकता है, रिकॉर्ड कर सकता है। और बाकी इधर आप देखो ये बारकोड वगैरह लगे हुए हैं, इधर कुछ है नहीं। और ये रही भाई अपनी सील, तो ये हमने खोल दी, इसकी अनबॉक्सिंग कर दी और देखते हैं भाई इसका अंदर का प्रोडक्ट है कैसा। सो भाई ये रहा इसका बेसिकली पॉप फिल्टर को देख लेते हैं कैसा है। पॉप फिल्टर यहाँ पे एक पन्नी में आता है, और ये रहा इसका पॉप फिल्टर ड्यूअल लेयर में है, ये एक तरीके से लेयर इधर भी है और एक लेयर इधर भी है, तो दोनों तरफ से इसकी लेयर है। और इसका क्लैंप ये रहा भाई सिंपल, जो कि आपका सीजर आर्म में लगेगा, जो कि इसके साथ आर्म मिलता है उसे सीजर आर्म कहते हैं, सीजर आर्म में सिंपल प्लग एंड प्ले हो जाएगा ये। सो काफ़ी अच्छी है क्वालिटी, मुझे अच्छी लगी इसकी, मैंने काफ़ी सारे देखे, कुछ नकली भी आते हैं मगर इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। उसके बाद जो हमें मिलता है यहाँ पे मिलता है वो फी फाइन का, भाई देख से तो जैसे कि एक मैनुअल कि भाई फी फाइन यूज़ कैसे करना है, वैसे इसका कोई ज़्यादा यूज़ होता नहीं, आप सीख ही जाते हो, वैसे कौन ही से देखता है, आप ऑनलाइन जाके सब सर्च कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। और भाई मेन कंटेंट तो ये रहा इसका मफ, जो कि आप सिंपल लगा सकते हो इजीली अपने माइक के ऊपर। और इसके बाद यहाँ पे मिलती है एक पैकेट जिसके अंदर मिलता है हमें एक, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो ये वाला, एक तरीके से आप इसे क्या कह सकते हो, होल्डर, एक प्लास्टिक का होल्डर बना हुआ है ये, जो अगर ये खो जाए तो उसके एक्स्ट्रा यहाँ पे दे रखा है, स्ट्रिंग भी दे रखी है यार, अगर जो आपका वो क्या कहता है शॉक अब्जॉर्बर होता है ना माइक के अंदर, शॉक अब्जॉर्ब करता है, जो कि हाथ वात लग जाता है हिलने से, वो सीधा माइक तक नहीं जान देता, वो वाइब्रेशन वहीं रोक देता है। तो इसका 3M की टेप शॉक अब्जॉर्बर की एक तरीके से स्ट्रिंग एक्स्ट्रा दी गई है, इसके ऊपर लिखा हुआ है बैकअप एक्सेसरीज। हाँ भाई सही बात है, बैकअप एक्सेसरीज, कि कभी खो जाए तो आप क्या करोगे, तब ये यूज़ करोगे। उसके बाद जो मैं बात बता रहा हूँ आपका एक तरीके से होल्डर, सो भाई जैसा मैं बता रहा हूँ आपको शॉक माउंट होल्डर, जो कि ये रहा काफ़ी अच्छी है इसकी क्वालिटी, बढ़िया है, प्लास्टिक अच्छा है, ज़्यादा सस्ता भी नहीं है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, मिड क्वालिटी का प्लास्टिक यहाँ पे यूज़ किया गया है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। ये रहा इसका ऑब्जर्वर, दूसरे मुआना वगैरह पर देखोगे ना तो वो थोड़ा अजीब सा होता है, इसका पैटर्न कुछ अलग है, मुआनों से अलग है, क्योंकि मुआना मैंने यूज़ किया और मुआनों ने खुद देखा है, तो इसका काफ़ी सारा पैटर्न अलग लग रहा है मुझे, बढ़िया है। और देख रहे हो यहाँ पे सारा थर्माकोल के अंदर एक तरीके से होल्डर से बनाए हुए हैं, ताकि सारे प्रोडक्ट कभी भी गिरे ना, कहीं लेके जाओ तो ऐसे है, आप कैरी करके इसे ले जा सकते हो।
सो भाई इसके साथ आपको मिलती है 3.0 एक तरीके से ये वाली केबल, और साथ में USB टू टाइप जो केबल आती है इसके साथ आपको मिलती है पीछे की तरफ से, जो आपके एक तरीके से CPU में चली जाएगी ये वाली केबल। और इसको कवर भी कर रखा है यार, काफ़ी अच्छा लगा। और आप यहाँ पे ब्रांडिंग देख पा रहे होगे, शायद नहीं देख पा रहे हो तो मैं दिखा दूँ, फोकस में ले तो फी फाइन लिखा हुआ है, काफ़ी अच्छा और प्रीमियम लग रहा है। और ये मेटल टाइप इसके ऊपर यूज़ किया गया है, इसको हम साइड कर देते हैं। और ये भी काफ़ी अच्छा है यार, देखो आप फिनिशिंग देखो इसकी, मतलब फी फाइन ने अपनी छोटी छोटी चीज़ों पर कितने अच्छे तरीके से काम किया है कि भाई अगर कस्टमर तक चीज़ बोले तो ब्रांडिंग और प्रीमियमनेस, वो प्रीमियम जो चीज़ें होती है वो उनको फील होनी चाहिए, तो ये इसमें दिया गया है। और उसके बाद बात करें तो भाई इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं, यहाँ पे मिलता है आपको आर्म, क्वालिटी काफ़ी नान सर, क्वालिटी में कोई इन्होंने मतलब एक तरीके से पैसे बचाने वाली बातचीत नहीं करी, ये भी काफ़ी अच्छा है। ये एक तरीके से वो है, इसे थ्रेड कह सकते हो आप, जो इसके नीचे लगता है, इसके नीचे शॉक अब्जॉर्वर के नीचे लगता है, और यहाँ पे इस पे एक तरीके से स्क्रू आउट हो जाता है। ये भी आप बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हो, ये सीजर आर्म होता है, लाइक किस तरीके से खुलता है, इसका सी क्लैम्प मिलता है आपको, जो ये वाला पार्ट है वो सी क्लैम्प के अंदर चला जाता है, आप सिंपली इसको उस क्लैम्प के अंदर डालोगे और फिर इसको यूज़ कर सकते हो आप। इसका मैं आपको क्लैम्प दिखा देता हूँ, वो सी क्लैम्प ही रहा, और ये इस तरीके से लग जाता है, काफ़ी ईजी है, आप सिंपल इसको और ये जो है इसको आप सिंपल यूज़ कर सकते हो, इसको लगा सकते हो, यूँ स्क्रू आउट करो इसको, इसको ओपन करो, देन किसी भी सेम एक ऐसी चीज़ के ऊपर जो टेबल कोना हो इस पे लगाओ, और देन ये वापस से टाइट हो जाएगी। सिंपल है काफ़ी यार, काफ़ी लोगों को पता भी होगा जो एक तरीके से जो घर में यूज़ करते होंगे यार, प्लास पेचकस के साथ खेलते रहते होंगे, उनके लिए तो काफ़ी ईजी। मूवमेंट ऑफ थ्रूथ जो आ गया वो आ गया फी फाइन का माइक्रोफोन। सो भाई इसके अंदर आप साफ देख सकते हो माइक्रोफोन, और इसको हटा लेते जरा भाई, ब्रांडिंग देख रहे हो फी फाइन की, ये रहा फी फाइन लिखा हुआ है इस नॉब की। ये नॉब मेरे को बहुत अच्छा लगा, बेसिकली मैंने ये जो लिया है ना इस नॉब की वजह से लिया है। ये नॉब में क्या कर सकते हो ना, आप अपनी इंटेंसिटी ज़्यादा और कम कर सकते हो, जब आप ऑडेसिटी ऑडिशन या कोई भी रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर के अंदर एक तरीके से रिकॉर्ड कर रहे हो तो आप इसके वोकल्स अपने कंट्रोल कर सकते हो इसके थ्रू, तो काफ़ी ईजी होता है, काफ़ी आपको एक तरीके से मोबाइलिटी देता है जब आप यूज़ करते हो या रिकॉर्ड करते हो ना कोई भी चीज़, काफ़ी ईजी होता है आपके लिए, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और इसके साथ आपको मिलता है यहाँ पे थ्रेट, वही सेम जो ये वाली थ्रेट है वो उसमें लग जाएगी, जो आपका सीजर आर्म है, और इसको आप हटा भी सकते हो। और फी फाइन की पता है मैंने ये एक तरीके से किट है पूरी फी फाइन के, इस माइक्रोफोन के साथ ये पूरी किट है, और इसको आप यहाँ से हटा लोगे, इसको एक तरीके से रिमूव कर दोगे ये हट जाएगा, और इसके साथ आपको एक छोटा सा ट्राइपॉड भी मिलता है, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप एक तरीके से ट्राइपॉड की तरह से यूज़ कर सकते हो, आपको सिंपल ही निकालना है। सो भाई यहाँ पे एक तरीके से सेटअप हो गया पूरा, और इसको आप यहाँ से इसे इसमें स्क्रू आउट कर लो एकदम ईजिली, वैसे ये एक तरीके से हो गया यूँ। सो भाई अगर आप एक तरीके से टेबल पर रख के रिकॉर्ड करना चाहो तो तब भी आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हो ईजिली, देख रहे हो आप इस तरीके से इसको रख सकते हो, ये ईजिली आपका इस तरीके से आ जाएगा, अगर मैं आपको इस व्यू से दिखाऊँ तो आप इसको इजीली ऐसे रख के यूज़ कर सकते हो यार। कंपनी ने, मैं आपको सच बताऊँ ना, कंपनी ने अपनी हर एक चीज़ पे काम किया है, यहाँ पे ट्राईपोड हो जाए पूरी किट है, देख रहे हो आप यहाँ पे एक ट्राईपोड है जो इसको होल्ड कर सकता है आपके टेबल के ऊपर, सीजर आर्म दे दिया, सी क्लैम्प दे दिया, सी क्लैम्प की बात बताऊँ यहाँ पे आपको एक रबराइज टेक्सचर दे रखा है जिस पे आप यूज़ कर सकते हो, ये आपके अगर आपका टेबल वगैरह महंगा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप रबराइज टेक्सचर है तो सिंपल कोई डरने वाली बात नहीं है, उस पर कोई स्क्रैच वगैरह नहीं आएंगे। नीचे की साइड थोड़े बता सकते हैं, अगर आप यहाँ पे भी डबल साइड टेप लगा दो तो वो भी एक तरीके से गायब हो जाएंगे, ठीक है। सो ये काफ़ी अच्छी बात करी है यहाँ पे कंपनी ने, तो एक बार इसको पूरा सेटअप करता हूँ और सेटअप करने के बाद आपको उसके ऑडियो टेस्ट दिखाता हूँ। सो भाई हमने माइक सेट कर लिया यहाँ पे, और देख सकते हो इसके साथ जो आम आया था वो मैंने सेट कर लिया, इसका माफ मैंने लगा लिया, और इस माइक के अंदर मुझे सबसे बढ़िया बात लगती है जो इसके साथ आपको मैंने नॉब दिखाया ना वो मिलता है, उससे आप इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हो। अभी आप देख रहे हो यहाँ ऑडेसिटी में पीछे भाई शूट हो रहा है, और सामने मैंने लगा रखा अपना फी फाइन T669 सीरीज़ का माइक, ये कंडेंसर माइक है, ये सिर्फ आगे से आने वाली आवाज़ रिकॉर्ड करता है, पीछे की नहीं करता है, कार्डियक एक तरीके से कार्डियक यानी दिल की शेप में जो इसके अगल बगल वॉइस आती है वो यूज़ करता है और पीछे की नहीं लेता है, तो इस ये काफ़ी अच्छी बात है। और इस प्राइस पॉइंट 3120 रुपये में जो मैंने ऑर्डर किया था, ये स्क्रीनशॉट पर आप देख भी पा रहे हो, 3120 रुपये में मेरे हिसाब से भाई कोई गलत नहीं है। और बताना यार, अभी तक जो आप आवाज़ सुन रहे थे ये बिल्कुल भी एडिटेड नहीं थी, रॉ थी, अब जो अब आप सुनोगे वो एकदम इसकी थोड़ी सी एडिटेड वर्जन सुनोगे, थोड़ा सा इसमें एम्पलीफाई डिनोइस वगैरह डाला होगा, तो स्विच करते हैं, तो अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हो ये एडिटेड वर्जन है, और इसके अंदर बिल्कुल थोड़ी सी एडिटिंग की गई है, ज़्यादा भी नहीं की गई है, सिर्फ डिनोइस वगैरह डाला गया है, एम्पलीफाई किया गया है, थोड़े से लेवल सेट किए गए हैं, मेरे सबसे अब आपको वो आवाज़ बहुत अच्छी सुनाई दे रही होगी, अभी मुझे पता नहीं चलेगा कि मुझे एडिटिंग के बाद ही पता लगेगा। तो भाई बताना कैसी लगी आज की वीडियो, सारा मैंने आपको बताया, तो अगर आपको चाहिए तो भाई लिंक मैंने नीचे डाल दिया, आप जाके सिंपली इसको बाय कर सकते हो। हाँ याद रखना यार, कभी कभी क्या होता है कि मेरे दोस्त ने फ्लिपकार्ट से सेम
सेट ऑर्डर किया था, मैंने सेम सेट ऑर्डर किया था, मगर उसको गलत डिलीवर हो गया, मेरे को सही डिलीवर हुआ क्योंकि मैंने अमेजोन से मंगाया था, उसने फ्लिपकार्ट से मंगाया था। अब मुझे नहीं पता ये प्लेटफॉर्म की दिक्कत नहीं है, ये तो भेजने वाले की दिक्कत है। उसने फीफा इनका ही भेजा मगर कोई दूसरा सेट भेज दिया, तो उसको ये थोड़ी सी दिक्कत आई थी। और हाँ, जब भी इसे ऑर्डर करो तो नीचे देख लेना फ्लिपकार्ट के अंदर नो रिटर्न पॉलिसी इस पर लिखी होती है फ्लिपकार्ट के अंदर, अमेजोन के अंदर ऐसा कोई सीन नहीं है। फ्लिपकार्ट में मैंने पढ़ा था तो उसका अभी तक भाई वापस नहीं हुआ है, वो फंस गया है लेके। मगर आप अमेजोन से ऑर्डर करोगे तो वहाँ कोई डंडा नहीं है, वहाँ आराम से ऑर्डर कर सकते हो और आराम से रिटर्न भी कर सकते हो, कोई इतने ईजी है, बहुत ईजी है, टेक इट ईजी लेने वाली बात है अमेजोन के ऊपर। तो बताना भाई आजकल वीडियो कैसी है, और ऐसी और वीडियो आपको मिलती रहेगी। धीरे धीरे आप कंटेंट के बारे में बात करेंगे, थोड़ा जो मैंने आज तक सीखा है वो भी आपको सिखाऊंगा, और धीरे धीरे कंटेंट इस पर आता रहेगा। तो बने रहना चैनल पे, लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना कैसी लगी वीडियो। अगर किसी को चाहिए तो प्लीज़ से शेयर कर देना ताकि वो भी इस माइक का रिव्यू देख सके। सो मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में। वेल, माय नेम इज जितिन, यू वॉज वॉचिंग मैग्नीफाई फ्रीक।